हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने कहा था कि सर वन लाइनर क्वेश्चन नहीं करवाते आप, तो आपके लिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप बहुत दिन से क्लास उस तरीके की ज्वाइन कर रहे हैं, आज जो है PDF मैंने तैयार की है आप लोगों के लिए। इस PDF के माध्यम से आप अपनी कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक नोट्स अच्छे तैयार करेंगे और यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आप एकेडमिक के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार करेंगे। दोस्तों, आज ये चैप्टर हम ठोस अवस्था से ले रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच दूधिया क्यों दिखाई देते हैं। इसका आंसर के सामने लिखा है, दिन की तपन तथा रात की ठंडक के कारण कांच में कुछ क्रिस्टली गुण आ जाते हैं, इसलिए पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच दूधिया दिखाई देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आया होगा। आगे कह रहा है, क्वार्ट्ज तथा क्वार्ट्ज कांच की संरचना एक दूसरे से कैसे भिन्न होती है। इसका आंसर दोस्तों है, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टली ठोस होता है जिसमें अवयवी कण SiO4 चतुष्फलकी व्यवस्थित क्रम में होते हैं। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें SiO4 व्यवस्थित क्रम में नहीं होते। समझ पा रहे होंगे, SiO4 क्या होता है दोस्तों? ये अवयवी कण होता है किसका? क्वार्ट्ज का। और क्वार्ट्ज का अवयवी कण होने की वजह से ये एक व्यवस्थित क्रम में चतुष्फलकी ढंग से रहता है, जबकि कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें जो SiO4 होता है व्यवस्थित क्रम में नहीं होता, इसलिए ये एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सह संयोजक नेटवर्क जालक युक्त दो ठोस पदार्थों के नाम लिखो। तो पहला तो बेटा हो गया कार्बन, कार्बन के दो अपर रूप लिखे हैं ग्रेफाइट और हीरा। दूसरा हो गया सिलिका SiO2 क्वार्ट्ज, जिसका नाम क्वार्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक तेज होता है जबकि कांच विभिन्न तापों पर पिघलता है, क्यों? तो इसका आंसर लिख लीजिए, बर्फ एक क्रिस्टली ठोस है जबकि कांच एक अक्रिस्टली ठोस है, इसलिए कांच विभिन्न तापों पर पिघलता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड उच्च गलनांक वाला अत्यधिक ठोस पदार्थ है, इसका उपयोग खुरचने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है, क्यों? इसका आंसर है, सिलिकॉन कार्बाइड में हीरे की भांति त्रिविमीय सह संयोजक या जालक पाया जाता है, इसी कारण यह अत्यधिक कठोर होता है तथा खुरचने वाले पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन सभी आणविक ठोस बनाते हैं, परंतु उनका गलनांक फ्लोरीन से आयोडीन की ओर बढ़ता है, क्यों? तो फ्लोरीन से आयोडीन की ओर अणुभार बढ़ने के साथ साथ अंतराणु का आकर्षण बल का मान भी बढ़ता है, इसलिए इनके गलनांक आयोडीन की ओर बढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसें तथा धातुएं सघन संकुलित संरचनाओं में क्रिस्टलित होती हैं, फिर भी अपवाद स्वरूप उत्कृष्ट गैसें क्रिस्टलों के गलनांक निम्न होते हैं, क्यों? तो उत्कृष्ट गैसों में एक परमाणु जो होते हैं एक दूसरे से दुर्बल वांडरवाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि धातुओं में प्रबल धात्विक बंध उपस्थित होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट गैसों के क्रिस्टलों के गलनांक निम्न होते हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल भंगुर होता है, क्यों? इसका आंसर है दोस्तों, आयनों के मध्य प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बलों के कारण इनका जो क्रिस्टल होता है वो भंगुर होता है। किस गुण के आधार पर कांच को एक अक्रिस्टलीय ठोस या स्थितिज द्रव कहते हैं? इसका आंसर है समदैशिकता। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है, आपको मालूम होना चाहिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं क्या। देखिए दोस्तों, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, मैं अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करूँ तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें त्रिविमीय ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है, अर्थात इनका 3D पैटर्न निश्चित होता है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसके बीच का अंतर आप देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों, क्लास को शेयर भी करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मैं बात करूँ तो इसमें 3D पैटर्न क्या होता है? डेफिनेट होता है। क्या होता है दोस्तों? डेफिनेट होता है। और मैं एमोर्फस सॉलिड की बात करूं तो एमोर्फस सॉलिड्स में जो 3D पैटर्न होता है वो इनडेफिनेट होता है।
इनडिफिनिट होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है। इनका जो क्रिस्टली ठोसों को जो आकार होता है वो व्यवस्थित होता है, जबकि अक्रिस्टली का अव्यवस्थित होता है। ये विषम दैसिक होते हैं, ये सम दैसिक होते हैं। NaCl, सुगर, आयरन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। कांच, प्लास्टिक, रबड़ इसके उदाहरण हैं। दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दी है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। फटाफट क्लास को शेयर कर दें, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। नाम देखो नहीं ले पा रहे हैं आप लोग, परेशान ना होइए। आप लोग नाम पे बहुत ध्यान दें, पढ़ाई करें, ज़्यादा उसमें फोकस करें। नाम तो बेटा रोज ही लेते हैं, आज नाम नहीं ले रहे तो इसमें आप परेशान ना होइए। सभी लोगों को गुड इवनिंग, खुश रहें सभी लोग, सभी लोग जीवन में तरक्की करें। दोस्तों, आपके सामने 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित इकाई सेलों में परमाणुओं की कितनी संख्या होगी। बेटा मैंने बताया था, सरल घनी जालक हो या काय केंद्रित घन हो या फलक केंद्रित घन हो, इसमें क्रमशः 1, 2 और 4 अणु होते हैं। यदि मैं इसका एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ आपको दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने के लिए मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल 3D की 80 जालक की लूँ, तो 80 जालक में कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर। इसमें दोस्तों 8 कोनों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं दोस्तों। 8 × 1/8 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 80 जालक में परमाणु की संख्या 1 होती है। जस्ट लाइक यदि मैं BCC की बात करूं दोस्तों, तो BCC में भी कुछ स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है, ध्यान दीजिएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक केंद्र में परमाणु होता है। यहाँ पर जो परमाणु की संख्या होगी 8 × 1/8 + 1, यहाँ 1 + 1 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 2। तो BCC जालक में परमाणु की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 2 होती है, काय केंद्र बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। अब मैं बात करूँ FCC की, तो FCC का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके होगा। वहाँ पे क्या होता है आप उसको भी देख लें, इस तरीके से होता है। यहाँ एक एक प्रत्येक फलक पर होते हैं तो 6 परमाणु होते हैं, केंद्र में 2 होते हैं। तो यहाँ पर 8 × 1/8 + 6 × 1/2, यहाँ 1 + 3 करते हैं तो टोटल कितना आता है, 4। कौन सा जालक है दोस्तों, FCC, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 11वें प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न क्रिस्टलों में प्रत्येक आयन की उपसह संयोजन संख्या लिखिए। अब मैं बता दूं, NaCl में उपसह संयोजन संख्या 6 होती है, समन्वय संख्या इसको बोलते हैं हम लोग। तो Na+Cl- होता है, Na भी देखिए यहाँ पे Na+ में 6 होते हैं, Cl- में भी 6 होते हैं। CgM क्लोराइड में 8 होते हैं दोस्तों। CaF2 की बात करूँ, कैल्शियम फ्लोराइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 8 और क्लोरीन में 4 होता है। सोडियम ऑक्साइड में 4-8 होता है, जिंक सल्फाइड में 4-4 होते हैं। निबिड संकुलित संरचनाओं में पाए जाने वाले विशिष्ट छिद्रों के नाम, चतुष्फलकी तथा अष्टफलकी छिद्र रिक्तियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉक सॉल्ट जैसी क्रिस्टलीय संरचना में आयन प्रत्येक प्रकार की उपसह संख्या। तो रॉक सॉल्ट की संरचना में आयन के प्रत्येक उपसह संख्या 6:6 होता है, जैसे NaCl, Na में 6 होते हैं, Cl में भी उपसह संख्या 6 होती है। अनावेशित परमाणु या अणु भी कभी भी सरल घनी जालक में क्रिस्टलीकृत नहीं होते, क्यों? अनावेशित परमाणु या अणु और अधिक प्रबलता से परस्पर संघनित होते, इसलिए संघनन संकुलित नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रश्न दिए गए हैं, देख सकते हैं। NaCl में FCC व्यवस्था है आयनों की संख्या, NaCl में मैंने बताया है
कि अगर NACL में FCC व्यवस्था है तो यहाँ पर आने की जो संख्या CL प्रमाण में होगी दोस्तों 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 टोटल 4 आएगा सॉल्व करने में। यहाँ CL में आयनों की संख्या 4 होगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सर्वाधिक सममित तथा असममित क्रिस्टल तंत्र का नाम लिखिए। तो सममित होता है घनी, असममित होता है त्रिनताच, नोट कर लो। सममित होता है घनी, असममित होता है त्रिनताच। ए तत्व की SCP संरचना में एक परमाणु की अधिकतम उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? तो 12 होती है। बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। AgCl के क्रिस्टलों के घनत्व को फ्रैंकल दोष में परिवर्तित क्यों नहीं करता? तो फ्रैंकल दोष के कारण संपूर्ण क्रिस्टल का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता। F केंद्र क्या है? रेयान रिक्तिका जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं। क्रिस्टल में कौन सा बिंदु दोष ठोस के घनत्व को कम कर देता है? तो आंसर है क्रिस्टल में शॉटकी दोष ऐसा होता है जो ठोस के घनत्व को कम कर देता है। जिंक सल्फाइड क्रिस्टल में कौन सा बिंदु दोष पाया जाता है? तो फ्रैंकल दोष पाया जाता है दोस्तों। एक लवण का नाम लिखिए जिसे AgCl में मिलाकर धनायन रिक्तियाँ उत्पन्न की जा सके। तो SRCl2 या CdCl2। फ्रैंकल दोष होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों? इसमें धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशीय स्थानों पर आ जाते हैं, अतः क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक ऐसे ठोस का नाम लिखो जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष होता है। तो आंसर इसका होगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों इसमें दोनों दोष पाए जाते हैं, शॉटकी और फ्रैंकल। शुद्ध क्षार धातुओं के हैलाइडों में फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाता, क्यों? धनायनों के बड़े आकार के कारण आयन आंतरिक स्थितियों ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सिलिकॉन विद्युत का कुचालक होता है परंतु गर्म करने पर अर्धचालक हो जाता है, क्यों? गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं तथा क्रिस्टल में भ्रमण के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबे की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है जबकि NaCl की चालकता ताप के साथ बढ़ती है, क्यों? दोस्तों इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर बगल में दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कापर विद्युत सुचालक है ताप और इसमें तापीय गति बढ़ती है जो विद्युत धारा के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करती है जबकि NaCl एक विद्युत अपघट्य होता है। इस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपके दिए गए दोस्तों। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया है। स्क्रीनशॉट लेते जाए आप प्रश्नों का, लेते जाए स्क्रीनशॉट फटाफट, चले ले लें। आप लोग कॉपी में इसको नोट करते जाएंगे सभी प्रश्नों को, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। लेते जाए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लें सभी साथी। सभी साथियों को गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए भैया स्क्रीनशॉट लेते जाए फटाफट। जैसा आप लोगों ने दोस्तों ने कहा था कि सर वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आइए, तो मैंने आपके लिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो है आपके सामने सॉल्व कराए हैं। आप इनको कॉपी में अच्छे से नोट्स बना के कंप्लीट करेंगे और दोस्तों कल मैं विलियन टॉपिक के वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा,
तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में आया करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 15 मिनट 1 घंटे की भी क्लास नहीं रहती है, बहुत शॉर्ट क्लास रहती है, इसलिए आप सभी लोग इस शॉर्ट क्लास को भी ज्वाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास रहती नहीं है, फिर भी अगर ना ही ज्वाइन कर पाते हो तो ये बड़ी समस्या का कारण है दोस्तों। और आप लोगों से निवेदन रहता है रोज़ कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक बताइए, उनको पढ़ने के लिए आप बोलिए, ताकि आपकी पढ़ाई मजबूत ना हो। और जुलाई से नया कोर्स स्टार्ट होगा दोस्तों, जुलाई से नया कोर्स स्टार्ट होगा, आपको बता दें 1 जुलाई से आप लोगों का फिर से बिल्कुल शुरुआत से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सारे बैचेस 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। 1 जुलाई से आपके न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में क्लास में आएंगे और क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोग क्लास को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सभी लोग साथियों को निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, जो नया साथी है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उस तक पहुँचे। बहुत जल्द अपना प्ले स्टोर पर ऐप भी बनने वाला है दोस्तों, निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप आ जाएगा, और ऐप के माध्यम से आप लोग पढ़ाई करेंगे। उसमें आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसमें PDF भी मिलेंगे, आपके नोट्स भी मिलेंगे, बहुत सारी सुविधाएँ उसमें मिलेंगी, और उसमें कुछ पेड क्लासें भी चलाई जाएंगी, जिसमें जो बच्चे पेड कर सकते हैं वो पेड करने वाले भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों मैं आपके लिए बहुत जल्द निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस ऐप के माध्यम से आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन क्लास देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के सेशन के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल पुनः आपसे इसी टाइम पर। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।